बिल्कुल नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम है जागर शर्मा और वाकई में मैंने अपने चैनल की कोई सी भी जो है वो जेनरे जो है वो नहीं बदला है। मेरा जेनरे जो है वो अभी तक जो है वो टेक का ही है, लेकिन वाकई में आप लोग बाइक के ऊपर कुछ ज़्यादा ही जो है वो प्यार दिखाते हो। मैंने पहले अपनी रॉयल एनफील्ड का रिव्यू करा था और आपने वाकई में उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो दिया है, तो मैं जो रिस्पॉन्स है अच्छा वो दिया है। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक नई गाड़ी लाया हूँ और ये है रॉयल एनफील्ड सिग्नल्स एडिशन। ये क्लासिक गाड़ी है जिसको एक तरीके से रॉयल एनफील्ड वालों ने एक तरीके से वापस से एक नया अवतार दिया है, एक नई खूबियां दी हैं इसके अंदर, इसके बारे में आज हम बात करने वाले। तो इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वाली वीडियो जो है वो स्पॉन्सर करी है सुपर वैक ने। इनके वॉलेट वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं और आप लोग इनको चेकआउट कर सकते हो, मैंने इनकी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखी है। और स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट करे भाइयों। तो अगर मैं बात करूँ रॉयल एनफील्ड सिग्नल एडिशन की, तो फिर ये बिल्कुल जो है वो एक तरीके से रॉयल एनफील्ड क्लासिक ही है। बस इसके अंदर जो इन लोगों ने कलर दिया है वो इस बार दिया है अपने रॉयल एनफील्ड क्लासिक 500 सीसी के अंदर जो आती थी उसका एक नया कलर दिया है। तो अगर मैं बात करूँ इसके दूसरे कलर वेरिएंट्स की, तो इसके अंदर एक ये वाला कलर आता है डेजर्ट वाला और एक ब्लू कलर भी आता है। तो जो ब्लू कलर है और ये वाला कलर है, ये दूसरी वाली क्लासिक के मुकाबले इतनी ज़्यादा अच्छी जो है वो शाइनिंग नहीं दे पाता, इतनी ज़्यादा अच्छी जो है वो अट्रैक्टिव फील नहीं दे पाता। तो कुछ लोगों के लिए ये वाला कलर जो है वो प्लस पॉइंट भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए माइनस पॉइंट भी हो सकता है। तो देखा जाए तो ये जो कलर है वो ज़्यादा स्टेल्थ वाली इफेक्ट देता है, जो सैटिन वाली फीलिंग में आता है, तो इतनी ज़्यादा शाइनिंग नहीं है इस वाले कलर के अंदर। इसके अंदर कोई सा भी इन लोगों ने क्रोम का एलिमेंट नहीं दिया, जैसे कि अक्सर रॉयल एनफील्ड क्लासिक्स के अंदर यहाँ पर आपको क्रोम की चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्रोम का साइलेंसर, क्रोम का इंजन और ये सारी की सारी चीज़ें, वो इन लोगों ने इस बार सब कुछ ब्लैक कर दिया है। बिल्कुल थंडरबर्ड 350X की तरह इन लोगों ने सब कुछ ब्लैक कर दिया है, जिसकी वजह से ये जो है थोड़ा सा स्टेल्थी लुक देती है और साथ में जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक भी देती है ब्लैक के अंदर। अब एक्चुअली होता क्या था कि क्लासिक जो थी उसके अंदर से ऑयल वगैरह लीक होता था इस वाली जगह से, तो इंजन की तरफ से इस वाली जगह से ऑयल लीक जो है वो होता था और साथ ही साथ अपने साइलेंसर की तरफ से भी जो है। तो इसके अंदर अगर होएगा भी सही तो फिर वो दिखेगा नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूव इन लोगों ने, रॉयल एनफील्ड वालों ने इसके अंदर जो है वो करा है। अगर मैं पीछे वाले एलिमेंट की बात करूँ, तो फिर पीछे जो अपनी पहले तो अपनी बैक लाइट आती है और साथ में दो इंडिकेटर्स, यहाँ पे आप नंबर वगैरह लिखवा सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है TP28। ये TP एक्चुअली टायर प्रेशर है जो कि आपको 28 रखना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे सीट पे देखो तो फिर यहाँ पे सीट पे भी आपको रॉयल एनफील्ड का लोगो जो है वो दिखता है। अगर मैं बात करूँ रॉयल एनफील्ड की एसेसरीज की, तो फिर इसके अंदर एसेसरीज जो है वो बिल्कुल मिनिमल लगती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ मेरी थंडरबर्ड की, तो फिर उसके अंदर आपको एक बैक रेस्ट लगवाना पड़ता है, लेग गार्ड वगैरह लगवाना पड़ता है और भी काफ़ी ज़्यादा एसेसरीज वगैरह आती हैं। इसके अंदर कोई बैक रेस्ट वगैरह नहीं आता, यहाँ पर बस आपको दो या तीन एसेसरीज देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपको लेग गार्ड लगवाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको विंडशील्ड वगैरह लगवानी पड़ेगी। इसके लेग गार्ड ओवरऑल मार्केट में आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ते पड़ जाएंगे और क्योंकि मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा सही पड़ जाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पीछे की सीट जो है उसको हटवा सकते हो और इसको एक तरीके से सिंगल सीटर भी बना सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देगी उस बहाने से। अब मैं बात करूँ इसके इंजन की, तो फिर यहाँ पे आपको ट्विन स्पार्क का 350 सीसी इंजन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड के लोगो भी एक इंजन पर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको सिंगल सिलेंडर का 4 स्ट्रोक वाला इंजन जो है वो देखने को मिलता है। 20.7 PS का ये पावर जो है वो जनरेट करता है आपकी बाइक के लिए 5,250 RPM पे। यहाँ पे आपको गियर जो है वो 5 ही देखने को मिलते हैं। और अगर बात करूँ ब्रेक्स की, तो यहाँ पे आपको पीछे की तरफ भी ABS देखने को मिलता है डिस्क ब्रेक के साथ और यहाँ पे आपको आगे की तरफ भी जो है ABS जो है वो देखने को मिलता है। अब ये वाली बात इससे लिए इतनी ज़्यादा अच्छी क्योंकि अक्सर जो रॉयल एनफील्ड्स के मॉडल्स होते हैं उनके अंदर जो है ABS नहीं आती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कम मॉडल्स हैं जो कि अभी नए रिलीज़ हुए हैं उनके अंदर ABS आती है और आगे और पीछे दोनों की तरफ डिस्क ब्रेक जो है आपको सिर्फ और सिर्फ इस वाली बाइक में और अपनी रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 350X में देखने को मिलता है, बाकी और किसी भी बाइक में जो है वो देखने को नहीं मिलता जो कि रॉयल एनफील्ड बनाती है। ये क्लासिक जो है ये एक तरीके से क्लासिक है जिसके अंदर आपको ABS और कुछ दो तीन नए फीचर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो अगर बात करूँ इसके ऑन रोड प्राइस की, तो इसके ऑन रोड प्राइस जो है वो आपको पड़ेगी 186 लाख की। तो एक तरीके से देखा जाए तो 187 ही मान लो। इसके अंदर आपकी इंश्योरेंस वगैरह जो है वो 19,000 की पड़ती है और अभी टैक्स वगैरह जो है वो 9,000 समथिंग का लगता है। इसकी ओवरऑल एक्स शोरूम प्राइस जो है वो 1,63,000 है, लेकिन ये आपको 1,90,000 तक की ही पड़ेगी अगर आप एसेसरीज मिला के ओवरऑल एस्टिमेशन लगा लो। तो अगर मैं बात करूँ कि कंसोल की, तो फिर यहाँ पे आपको जो है स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, साथ में यहाँ पे आपको आपकी जितने आप किलोमीटर चले हो वो किलोमीटर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको आपकी ऑन और ऑफ स्विच देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको कोई सा भी जो है वो देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको हैंडल लॉक और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है आपका फ्यूल मीटर और यहाँ पे आपका ABS और ये जो रॉयल एनफील्ड है ये भी चमकती है जब भी आप गाड़ी को जो है वो ऑन करते हो।
अब फ्यूल मीटर जो है ये आपको ये नहीं दिखाता कि आपकी गाड़ी के अंदर कितना फ्यूल है, बस वो ये दिखाता है कि आपकी जो गाड़ी है वो रिजर्व में लग चुकी है जब ये वाली लाइट जलती है। और ABS जो है ये दिखाता है कि आपको आपके ब्रेक फ्लूइड वगैरह को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, मतलब कि अगर ये जले तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। जैसे आप गाड़ी ऑन करते हो तो फिर थोड़ी देर के लिए जलती है, लेकिन अगर गाड़ी को थोड़ी देर के लिए चलाओगे तो फिर ये चलना जो है वो बंद कर देगी। यहाँ पे फ्यूल टैंक जो है वो 13.5 लीटर का देखने को मिलता है, जो कि आपको माइलेज जो है वो 37 KMPL का देखने को मिलेगी। और एक और यूनिक चीज जो आपको रॉयल एनफील्ड सिग्नलाइजेशन में देखने को मिलती है वो है ये वाला नंबर। ये वाला नंबर जो है वो हर एक बाइक का जो है वो अलग होता है, रॉयल एनफील्ड सिग्नल के अंदर ही आपको ये वाली चीज जो है वो देखने को मिलती है। और यहाँ पे ये जो रॉयल एनफील्ड का लोगो है मेड लाइक अ गन रॉयल एनफील्ड, ये भी सिर्फ और सिर्फ सिग्नलाइजेशन में ही देखने को मिलेगा और किसी भी रॉयल एनफील्ड के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक 49 UK रेजिमेंट का एक स्टीकर भी देखने को मिलता है। ये वाली बाइक जो है वो एक तरीके से उसी के लिए बनाई गई है, एक तरीके से उसी को एक तरीके से ट्रिब्यूट देते हुए इन लोगों ने इस वाली बाइक को डिजाइन करा है। आपको ये UK रेजिमेंट का 1949 का स्टीकर जो है वो यहाँ पर भी देखने को मिलता है, और साथ में वो जो नंबर है वो आपको यहाँ भी देखने को मिलता है। ये मात्र 1 लाख बाइक ही बनाई गई थी और ये वाली बाइक का जो नंबर है वो 37,620 का है। अब बात करूँ अगर मैं इस वाली चाबी की, तो ये वाली चाबी सिर्फ यहाँ पे लगने के बजाय और भी बहुत सारी जगहों पर लगती है इस पूरी पूरी बाइक के अंदर। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ये वाली चाबी जो है ये आपके हैंडल लॉक के लिए आपके यहाँ पर भी लगती है, आपके जस्ट हैंडल के जस्ट साइड में आप इस वाली चाबी को लगा के अपना हैंडल जो है उसको लॉक कर सकते हो। आपकी चाबी जो है वो यहाँ भी लग सकती है आपके फ्यूल वगैरह के लिए, आपके फ्यूल वगैरह बोल रहा हूँ, आपके फ्यूज वगैरह के लिए। और इधर की तरफ भी लगती है आपके टूल बॉक्स के लिए, जिसके अंदर से आप सारी की सारी चीज़ें जो है वो रिट्रीव कर सकते हो, जैसे कि आपके मेडिकेट्स और आपके सारे के सारे टूल्स वगैरह। और यहीं पर आपको फ्यूज देखने को मिलते हैं। ये मत समझना कि ये जो है वो बैटरी है, बैटरी ये नहीं है, बैटरी एक्चुअली में इसके जस्ट बगल में यहाँ पर एक और चाबी लगती है और यहाँ से जो है वो बैटरी जो है वो खुल जाती है। यहाँ पर आपको आगे की तरफ कोई भी लाइट जो है वो देखने को नहीं मिलती है LED, जैसे आपको मेरी थंडरबर्ड 350X में देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको बिल्कुल नॉर्मल लाइट जो है वो देखने को मिलती है, और साथ में यहाँ पे दो ये क्लासिक की जैसे जो लाइट्स होती है वो हमेशा की तरह आपको देखने को मिलती है, जो कि एक तरीके से इसको हिप्पोपोटामस का लुक देती है। यहाँ पे आपको जो है सेल्फ देखने को मिलता है आपके सिग्नल सेडिशन के अंदर। यहाँ पे इंजन किल स्विच भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको फ्लूइड ब्रेक फ्लूइड जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलती है, आपके लाइट से रिलेटेड इंडिकेटर्स वगैरह, हॉर्न वगैरह, पास वगैरह, पूरी की पूरी बाइक में कोई सी भी चीज़ जो है वो लगभग प्लास्टिक की बिल्कुल भी नहीं है, लगभग A to Z सारी की सारी चीज़ें जो है वो मेटल की ही देखने को मिलेंगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है वो बिल्ड देता है, बिल्ड क्वालिटी देता है आपकी पूरी की पूरी बाइक को। और अगर आप कभी गिरते हो तो बाइक को जो है वो कुछ भी नहीं होगा, भले आपकी हड्डी पसली एक हो जाए। अगर पंचर वगैरह हो जाती है तो फिर आपको वाकई में घसीटने में आज जान निकल जाएगी, क्योंकि इस बाइक का वेट लगभग 200 किलो ही है, 192 kg, और इसका जो आगे वाला टायर है वो 19 इंच का है और पीछे वाला टायर जो है वो 18 इंच का है। अगर मैं बात करूँ इसकी सीट की, तो इसकी सीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, और वाकई में जो इसके फिनिश जो है वो रॉयल एनफील्ड ने प्रोवाइड करी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। स्टिचिंग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा A1 और मतलब प्रीमियम लगती है। और अपन इसकी राइड का एक मज़ा लेके देखते हैं। अगर मैं बात करूं इस वाली बाइक की, तो फिर बाइक जो है वो चलने में तो काफ़ी ज़्यादा शानदार है ही सही, लेकिन आपको जो है वो वाइब्रेशंस वगैरह जो है वो महसूस होएंगे। वाइब्रेशंस के साथ ही साथ इसके जो ब्रेक्स हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे जो हैं वो नहीं हैं, और साथ ही साथ लोड तो ले लेती है अच्छा खासा, वाइब्रेशन आपको टॉप स्पीड पे भी महसूस हो सकते हैं, और इतना ज़्यादा कंफर्ट जो है उसको चलाने में नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो है रेट्रो बाइक है तो इतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं आएगा जितना कंफर्ट आपको थंडरबर्ड या फिर दूसरी बाइक जो है वो चलाने में आएगा। लेकिन फिर भी रॉयल एनफील्ड तो है तो बात उसकी अलग ही है। लेकिन साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ ब्रेक्स की, तो इसके ब्रेक्स जो हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला इसके ब्रेक्स मतलब तेज़ स्पीड भगाने के बाद भी, अब मैंने ब्रेक्स लगा दिया और ये अब जाके रुकी है, तो ये वाले ब्रेक्स आपका ऑब्वियसली एक्सीडेंट जो है वो करवा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल बाइक को चलाने में तो मज़ा आएगा इसी, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक रॉयल एनफील्ड है। तो ओवरऑल यही था मेरा रॉयल एनफील्ड सिग्नल एडिशन का रिव्यू। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो भाइयों। ये बाइक जो है मुझे मात्र एक दिन के लिए मिली थी, तो अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो फिर कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना। एंड दिस इज मिस्टर ग्रेट साइनिंग ऑफ भाइयों, जय हिंद। तो अभी हम लोग शूट कर रहे हैं रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड। थंडरबर्ड तो वो है रही, ये है रॉयल एनफील्ड। कौन सी है यार ये सिग्नल्स एडिशन। और सही बता रहा हूँ, अभी तक इतना शानदार मौसम हो रहा था और अब जो है वो बारिश होना स्टार्ट होने लग चुकी है, लगभग 2-3 बूंद टपक चुकी है सचमुच में। वाह यार क्या मौसम हो रहा है, अपने को अभी जाके शूटिंग जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए थी, और कैमरा की बैटरी जो है वो भी जाने वाली है।